नमस्कार दोस्तों, हमारे चैलेंज रूबी भोजनालय में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको पूरी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए आवश्यक सामग्री के रूप में मैंने 2 कटोरा आटा लिया है और 1 कटोरा सूजी लिया है। अगर ये सूजी मोटी हो तो आप मिक्सी में एक बार इसे चला लें। इसके बाद मैंने 1 लीटर दूध लिया है। चलिए अब हम इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 बर्तन में सूजी ली हूँ जिसका परिमाण 250 ग्राम है। मैंने फिर उसी कटोरे से 2 कटोरा आटा ली हूँ। इसके बाद हम दूध की सहायता से इसे धीरे धीरे घोलेंगे। याद रखें कि हमें एक बार सारा दूध नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके इसका बैटर तैयार करेंगे। हम लोग अपने घरों में अक्सर मैदे के ही पुए को बनाते हैं, लेकिन आप अपने घरों में एक बार आटा का पुआ बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। इस तरह से हम थोड़े थोड़े दूध को डालेंगे और बैटर को घोलते जाएंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। इस तरह के आटे के पुए हमारे पेट को भी खराब नहीं करती है। देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध को डालकर बैटर को तैयार कर ली हूँ। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे फेटेंगे। पुए का अपना एक नियम है कि इसे हम जितना फेटेंगे ये उतना ही स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए, 5 से 6 घंटे हो गए हैं, मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें चीनी को डालकर अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेटेंगे। मैं तब तक इसे फेटूंगी जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अगर आपकी बैटर पतली हो जाए तो आप इसमें सूजी को मिलाकर इसका बैटर लेवल में ला सकते हैं। अगर आप भी मेरे चैलेंज पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसमें 2 चम्मच सौंफ और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो मिलाइए और ना पसंद आए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए, मेरे बैटर तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच क्रश्ड किए हुए नारियल को डालेंगे और मिलाएंगे। अब मेरी बैटर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें एक कलछुल की सहायता से एक एक करके पुए को डालते जाएंगे। देखिए ये कितने अच्छे फूल गए हैं ना। हाँ, इसे एक तरफ से लाल कर ले और फिर इसे पलट दे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। आप भी अपने घरों में बनाइए और खाने का आनंद लीजिए। और हम इस तरह से इसे किनारे पर लाकर इसे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो भी तेल हो वो निकल जाए। इस तरह से हम एक एक करके सभी पुए को डालेंगे और उलट पुलट कर इसे दोनों साइड से लाल कर लेंगे। इस रेसिपी का अनुपात मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखिए ये पुए लाल हो चुके हैं। इस तरह से हम सभी पुए को छानते जाएंगे। चलिए मैं एक और पुए को तलकर दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा से फूल जा रहा है और लाल लाल भी हो रहा है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। भी अपने घरों पर बनाएं और खाने का आनंद ले। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।